हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो हम लोग कर रहे थे सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 10 और हमें जो है यहाँ से पढ़ना है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन थी उसमें आपके नोट करने के लिए, याद करने के लिए, उसे आप पढ़िएगा, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन राज्यों का प्रशासन जो था वह कैसे चलता था, किन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, जहां हमने चेर, चोर राजवंश, चालुक्य, पल्लव राजवंश की बात की थी, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह कैसे वर्क करता था। तो पहले के राजाओं की तरह ही इन राजाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था वह था भूमि कर, ठीक है। प्रशासन का जो काम करने का जो तरीका था उसमें भूमि कर जो है वो सबसे ऊपर था, सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई जो थी वह थी गांव। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे कैसे। तो देखो, उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो है वो आनुवांशिक बन गए। आनुवांशिक शब्द जो है वो आप जानते हो कि जैसे कि पिता जो है वही काम जो है उसका बेटा करेगा, ठीक है, फिर उसका जो बेटा होगा वह वही काम करेगा। तो आनुवांशिक बन गए प्रशासक के, जो प्रशासक में जो पद थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि जो कवि हरिषेण था, अपने पिता की तरह जो है वो महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी था। तो इनके पिता भी दरबार में महादंड नायक थे, तो इनका बेटा जो हरिषेण था तो उसको भी यह पद मिला। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिषेण एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण मंत्री, तथा एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो एक पद के साथ साथ इसको कई और कार्य भी मिले थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाहक यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, और कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट यही रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी तो वह थी गांव, ठीक है, और जो प्रशासकीय पद थे वह थे आनुवांशिक। तो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। तो याद रखना है कि नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, और सार्थवाहक किसको कहा गया, व्यापारियों के काफिले का जो नेता था, प्रथम कुलिक या शिल्पकार, और कायस्थ यानी लिपिक का प्रधान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल थे उस समय। इस तरह की कुछ हद तक प्रभावशाली, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य ही स्थापित कर लेते थे। नेक्स्ट देखो, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी हैं, रथ हैं, घुड़सवार हैं, पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे और अपना स्वयं का जो है राज्य स्थापित कर लेते थे, ठीक है। तो आपको इस पूरे पैराग्राफ में जो है एक लाइन जो कि ध्यान में रखनी है कि जो सेना नायक जो थे उनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। तो क्या मिलता था इनको, इनको भूमि दान किया जाता था, ठीक है, और उसी से जो है ये कर वसूलते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दक्षिण के राज्यों में सभाएं, सभाएं कैसे होती थी। तो पल्लवों के अभिलेखों से पता लगता है कई स्थानीय सभाएं जो है वो होती थी। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसको सभा कहते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था। मिलान में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है, ठीक है।
जहां पर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था उसको कहा गया सभा, और जहां पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे तो वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। ठीक है, ये दो लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, तो आप लिख लेना, जहां भी नोट करोगे आप, जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं होती थी ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे, और जो भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पर उर नामक ग्राम सभा होती थी। नगरम किसको कहा गया, तो नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो जो मैंने दो लाइन बताई उसके आगे एक और लाइन ऐड करना कि नगरम जो था किसको कहा गया, व्यापारियों के संगठन को कहा गया उस जमाने में आम लोग। तो उस जमाने में जो आम लोग थे उनका जीवन कैसा था, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास जो थे उन्होंने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। दोबारा से देखिए इस लाइन को, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं जो थी वह प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई है। प्राकृत यानी वो आम भाषा। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो था अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब जो मछुआरा था उसके साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं आपकी इस पैराग्राफ में। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि कालिदास जो है उनका एक प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत भाषा में है, और इसमें जो है दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है, साथ में एक गरीब मछुआरे के साथ जो राज कर्मचारी है उन्होंने जो है वो गलत व्यवहार किया, तो ये भी इसमें है। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गरीब मछुआरे की बात आपको ध्यान में रखनी है, अभिज्ञान शकुंतलम में ही है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, तो एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ, उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? तो जो छोटे बच्चे हैं सिक्स क्लास के उनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके एग्जाम के लिए कोई भी लाइन महत्वपूर्ण नहीं है। चीनी तीर्थयात्री फायशियांग यानी फायान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें जो ऊंचे लोग थे शक्तिशाली लोग थे वो अछूत मानते थे। ठीक है, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे देखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर के अंदर आना है तो सभी को आगाह करने के लिए क्या करते थे, एक लकड़ी जो है उसके टुकड़े पर जो है वो चोट करते रहते थे कि हम जो है आ रहे हैं। तो यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो यहाँ पर जो असमानता थी उसको उन्होंने बताया है, किसने, फायान ने। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो देखो राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीत, गान, नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते, जानवरों को चारा देते, राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते, व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो जब राजा की जो सेना थी जो निकलती थी तो किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है अपना छोड़कर जाती थी कि जो है वो निकल जो आसपास के जो लोग थे तो वो तो उनके सत्कार के लिए जो है
काफी कार्य करते थे, लेकिन राजा की सेना जो है उनके घरों को, झोपड़ियों को जो है वो कुचल डालते थे। और जब वो निकल जाते थे तो इस ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया धूल के जो गड्ढा है उसमें डूब गई। चैप्टर होता है कंप्लीट, और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्यत्र में देखते हैं फटाफट से कि मानचित्र 6 में आपको ढूंढना है अरब। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अरब में रहने वाले जो लोग थे वो कौन थे? बेदुइन थे, जो कि कौन होते थे? घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में विश्वस्त रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। तो पिछले अध्याय में हमने ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा था। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को जो है वो सबसे ऊपर माना था, उसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है, तो जहां बाइबिल था किसका? ईसाइयों का, वहीं पर कुरान जो है वह है मुस्लिमों का। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाली स्त्रियों पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही इससे परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी लेकर आए। और अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। तो इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं एनसीईआरटी में हमें कुछ मिलता ही नहीं है याद करने को। याद रखना है कि अरब में रहने वाले जो अन्य लोग जो थे उनको बेदुइन कहा गया, जो एक घुमक्कड़ कबीले थे, एक ये लाइन हो गई। दूसरा, 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद जो थे वो अरब में इस्लाम नामक धर्म की शुरुआत करते हैं, अल्लाह को सबसे ऊपर मानते हैं, उनका पवित्र ग्रंथ जो है इस्लाम धर्म का कुरान है। ठीक है, बस यही है इम्पोर्टेंट। और तो चैप्टर जो है वो आप पढ़ लिया है, अब फटाफट से जो है इनके क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। और आपके दिमाग में तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। हाल ही में जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, यदि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसके आंसर तो हम सही देंगे ही। तो सही या गलत बताओ, हरिशयन ने गोतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, क्या ये बात सही है? तो ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? तो चैप्टर हमने पढ़ा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, बिल्कुल गलत बात है। आर्यावर्त के जो शासक थे उनके बारे में केवल हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के जो 9 शासकों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, केवल इतना ही पढ़ा है। ठीक है, तो जो पढ़ा है आंसर वही रहेगा। दक्षिणापथ में 12 शासक थे, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। आर्यावर्त में 9 और दक्षिणापथ में 12। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। तो सोचिए इसका आंसर जो है वो सही है या गलत है। तो गुप्त शासक के बारे में है, तक्षशिला और मदुरै। मदुरै दक्षिण में है, तक्षशिला आप देख रहे हैं ये उत्तर पश्चिम में है, तो ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐहोल जो है वो पल्लवों की राजधानी थी, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत बात है। मैप आपने देखा है, मैप में बिल्कुल स्पष्ट है पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, ऐहोल चालुक्यों की थी। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। तो बताइए ये लाइन आपने पढ़ी है चैप्टर में, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो ये लाइन जो है वो हमने बिल्कुल पढ़ी थी कि दक्षिण भारत में जो स्थानीय सभाएं थी, ठीक है, सबसे छोटी इकाई गांव थी, तो सदियों तक जो है वो काम करती रही। सेकंड देखो, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो आप सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है, मैंने आपको बहुत बारीकी से जो है वो पढ़ा दिया है। हर्षवर्धन के बारे में जो है लिखा है कौन कौन थे? एक तो स्वयं संग यानी कि हुएन संग था, ठीक है, और पुलकेश्वर द्वितीय का जो दरबारी था रवि कीर्ति, एक तो वो था, और बाण भट्ट भी था। तो 3 जो है वो लेखक ये हो गए। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के बारे में जो है इनमें से किसने नहीं लिखा। तो 4 ऑप्शन, एक तो हो जाएगा हुएन सांग, दूसरा पायान, फिर रवि कीर्ति और बाणभट्ट। ठीक है, तो पायान उसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी जो है वो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 6 क्लास है, इसमें से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें जो है यहाँ से प्रश्न नहीं मिलने वाला है, बड़ी क्लासों से मिलेगा। बहुत बड़ी गलती करते हैं ये, चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करते हैं, और फिर जो है जब एग्जाम में आसान से आसान प्रश्न आ जाता है वहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस युग में सैन्य संगठन जो था उसमें क्या बदलाव आए थे, तो बताइए क्या बदलाव आए थे। चैप्टर हमने अभी हाल ही में पढ़ा है, तो यहाँ पर जो था मैंने एक तो सेना के बारे में आपको बताया था कि पुरानी तरीके से ही जो राजा थे वो सेना रखते थे संगठित करके, ठीक है, सेना जो थी उसको वेतन वेतन नहीं देते थे नियमित तौर पर, ठीक है, तो क्या देते थे, भूमि देते थे, ये आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने आपको बताया, और उसी भूमि से जो है वो कर वसूल करते थे, और उनको क्या कहा जाता था, सेनानायक को सामंत कहा जाता था, जो कि जो युद्ध होते थे तो उनके लिए जो साधन होते थे उनको जुटाते थे, ठीक है। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती हैं, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसा था, तो वहां हमें दिखाई दिया एक तो वंशानुक्रम यानी अनुवांशिक, ठीक है, जो कुछ पद थे वो अनुवांशिक ही थे। हरिश्चयन के बारे में उदाहरण भी दिया था चैप्टर में कि उनके जो पिता थे जिस पद पर थे तो उसी पर जो है उनका बेटा हरिश्चयन भी आया था, ठीक है, और एक जो व्यक्ति था वह कई पदों को संभालता था, तो हरिश्चयन जो है वो भी तीन तीन पदों को संभाले हुए थे, है ना। और फिर हमने जो है और लोगों के बारे में भी पढ़ा था कि कुछ जो थे वो बैंक के कार्य करते थे, व्यापारियों के जो काफिला था, ठीक है, लिपिक था, तो ये नई चीजें हमें इस चैप्टर में देखने को मिली हैं। तो ऐसे ही जो है वो आपको भी बिल्कुल ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन को करना है सॉल्व। आप जो है जब अध्यापक बनोगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड के बनोगे, सेकंड ग्रेड के बनोगे, तब आप जो है इन चैप्टर को यदि नहीं पढ़कर जाओगे तो आप लोगों को बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है। जो आप लोगों को इस चीज के लिए कहते हैं कि आप जो है इन चैप्टर को छोड़ दें, केवल उन टॉपिक पर फोकस करें जो आपकी पीजी लेवल तक चलती है। आप जब छोटी क्लासेस को नहीं पढ़ोगे तो पीजी लेवल की जो है वो भी आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि ये बेस होता है, और जिसका बेस मजबूत नहीं होता है, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं, जब तक आपको एडिशन सबस्ट्रैक्शन, ठीक है, और डिवाइड ये नहीं आएंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन हल करने लगेंगे, तो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। अब वो टाइम चला गया है जब एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सीधा सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब जो है वो बिल्कुल घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है, आपने वही लाइन पढ़ी है फिर भी घुमाकर पूछ लेंगे, आप उसी का उत्तर नहीं दे पाओगे, ऐसा हो जाता है। तो एक गलती जो है वो आपको जीवन भर उसका पछतावा होता है जब आप 1 मार्क से रह जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो पढ़ते चलिए, आराम से पढ़ते चलिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।